फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 में सारी टीमों की रेटिंग। तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहना है। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि फ्रेंड्स ये कोई एक स्पोर्ट्स की रेटिंग नहीं है, ये मैंने कहीं से देखा नहीं है। कोई भी एक स्पोर्ट्स ने अभी किसी को रेटिंग नहीं दी है, तो ये मैंने कहीं से मतलब देखा नहीं है। मेरी खुद रेटिंग है, पर्सनल की रेटिंग है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जो इस टीम को मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट दे दूँ वही टीम इस टूर्नामेंट को जीत जाए। ये मेरी रेटिंग है। हाँ, अगर स्पोर्ट्स की होती तो इसमें आप सोच सकते थे कि हाँ ये टीम जीत सकती है, पर ये मेरा मतलब प्रियान की रेटिंग है। तो आप इसे बस देखिए और देखते हैं कितना तक ये सही होता है। तो आखिरी नंबर पर मैंने जिस टीम को रखा है, नीचे से शुरुआत करते हैं, वो है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना को मैंने दिए हैं 4.5 पॉइंट्स। मैं जानता हूँ ज़्यादा नहीं है, पर अर्जेंटीना अभी उतनी अच्छी कबड्डी में टीम नहीं है। अगली जो टीम है वो है केन्या। तो केन्या को मैंने 5.5 पॉइंट्स दिए हैं। केन्या का पिछले साल परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि केन्या इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। अगर हम दूसरे देशों से कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया और ये अर्जेंटीना, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा किया था केन्या ने, अनएक्सपेक्टेड किया था। तो अगली जो टीम है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को मैंने नंबर 4 पर रखा है और पाकिस्तान को मैंने 6.5 पॉइंट्स दिया है। यार, पाकिस्तान ने ईरान को हराया। आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, अभी टूर्नामेंट में कुछ दिनों पहले ईरान को हरा दिया था, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर रख रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान की डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगली जो टीम है जिसको मैंने नंबर 3 पर रखा है, वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को मैंने 7 पॉइंट्स दिए हैं। साउथ कोरिया पिछले साल एक ही ऐसी टीम थी जिन्होंने इंडिया को हराया था, और इंडिया को हराना बच्चों का खेल है नहीं। उसके बाद इंडिया सारा मैच जीत कर टूर्नामेंट भी जीत गई थी, एक कोरिया ने ही उनको हराया था। तो ईस्ट कोरिया आप समझ लो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, उनके पास जैंग कुन ली हैं, तो इसलिए मैं कोरिया को दे रहा हूँ 7 पॉइंट्स। नंबर 2 पर मैं जिस टीम को रखा है वो है ईरान। ईरान यार पिछले साल फाइनलिस्ट थी और बहुत अच्छा खेल रही थी, पर इस साल मैं चाहता तो ईरान को भी 8 पॉइंट देता, पर मैं ईरान को भी 70 पॉइंट्स दे रहा हूँ। क्योंकि आपको मैं पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूँ कि ईरान जो है उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो कोई नहीं खेल रहे हैं। फजल अत्रचाली, ये अबोजर मेघानी, मिराज से कोई नहीं खेल रहे हैं, सब युवा प्लेयर खेल रहे हैं, नए नए प्लेयर लाए गए हैं। कुछ प्लेयर्स खेल रहे हैं, हादी ताजिक, मकसूद, ये सब कुछ प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो इसलिए मैं इस टीम को 7 पॉइंट देता हूँ। और नंबर 1 पे आप सबको पता है इंडिया है। इंडिया को मैंने 8.5 पॉइंट्स दिया है, क्योंकि यार ऐसी कोई भी टर्निंग हो सकती है, आप कुछ भी कन्फर्म नहीं कर सकते। इंडिया को मैं 10 out of 10 भी दे सकता था, पर यार एक कबड्डी है, आप कहीं भी नहीं कह सकते कि यही टीम जीतने वाली, क्या पता कहीं दूसरी भी टीम जीत जाए। जैसे आप पिछले साल पहले मैच में देखे हम लोगों ने कि कोरिया जीत गई, तो ऐसा हो सकता है। मैंने आपको रेटिंग बता दी, तो अब आप क्या कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर मैंने सब टीमों का स्क्वाड लिख दिया है, पढ़ लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कौन सी टीम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, नहीं तो आपको रेटिंग समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बज जाइए, ताकि हम जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है। We'll be right back.